पेरू के रहने वाले अलेहांद्रो रामोस अपने घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि लोग उन्हें अजीब तरह से देखते हैं। पिछले 4 सालों से उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में सूजन है और वो असामान्य तरीके से फूले हुए हैं। उन्हें रोजाना के कामों में दिक्कत के अलावा कपड़ों को लेकर भी परेशानी होती है। उनके साइज के कपड़े मिल पाना मुश्किल होता है। रामोस का इलाज नेवी मेडिकल सेंटर में चल रहा है। पेरू की नेवी के डॉक्टर्स उनकी बीमारी का अध्ययन कर रहे हैं। रामोस पैसों की कमी के कारण लंबे समय तक अपना इलाज नहीं करा पाए थे, लेकिन एक टेलीविजन प्रोग्राम में उन्हें देखने के बाद नेवी ने उनके इलाज का जिम्मा लिया है। उनके दोनों बाजुओं का आकार 62 और 72 सेंटीमीटर हो गया है, जबकि एक पुरुष के बाजुओं का औसत आकार 33 से 35 सेंटीमीटर तक होता है। हर बाजू में गांठ बन गई है जो कि इतनी बड़ी हो गई है कि वो कंधे से मिल गई है। इस कारण शरीर का आकार बहुत बड़ा लगता है। रामोस का सीना सामान्य से ज्यादा फूल गया है। रामोस एक गोताखोर हैं और उनका मानना है कि उन्हें ये बीमारी साल 2013 में गोताखोरी के दौरान हुई। तब वो पेरू में पाए जाने वाले एक सीफूड चोरोस को इकट्ठा करने समुद्र में 30 मीटर की गहराई में गए थे। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।